परमेश्वर यूसुफ और ओके परिवार को बचाते। कई साल के बाद जब याकूब बुड़को भय गईस तो ओने अपने लाड़के टूरा यूसुफ को ओके भावनाउन को देखन के गुना भेजिस, जो जानवर नाउन के झुंड की देखरेख करत होतीन। यूसुफ के भावनाउन ओके से नफरत करत होतीन, काया कि ओको दादा ओके से बहुत ज्यादा लाड़ करत होतीस, और एके गुना भी कि यूसुफ ने सपना देखे होतीस कि उनको अधिकारी हो जाए। जब यूसुफ अपने भावनाउन के जवर आईस तो हुन्ने ओको बंदी बना ले और ओको गुलाम को धंधा करन वाले को बेच दे। घर वापिस लौटन से पहले यूसुफ के भावनाउन ने यूसुफ के कपड़ा को फाड़ के बकरी के खून में डुबो दे। फिर हुन्ने वो कपड़ा अपने दादा को दिखाईन, ताकि हु यो सोचे कि कोई जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डालिस, और याकूब बहुत दुखी भईस। गुलाम को धंधा करन वाले ही लोग यूसुफ को मिस्र देश में ले गए। नील नदी के किनारा पर बसो हुओ मिस्र देश एक बहुत बड़ो और शक्तिशाली देश होतीस। ही गुलाम को धंधा करन वाले नाउन ने यूसुफ को एक धनी सरकारी अधिकारी को गुलाम के रूप में बेच दे। यूसुफ ने अपने स्वामी की अच्छी तरीका से सेवा करीस, और परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष देस। ओके स्वामी की लुगाई ने यूसुफ के संग सोन की कोशिश करी, मगर यूसुफ ने या तरीका से परमेश्वर के खिलाफ पाप करण से इनकार कर देस, तो वह गुस्सा भय गई और यूसुफ को झूठे आरोप लगा दे। एके गुनाओ को पकड़ के जेलखाना में डाल दियो गईस। यहाँ तक कि जेलखाना में भी यूसुफ परमेश्वर के गुना खरो रहीस, और परमेश्वर ने ओको आशीष दीस। 2 साल के बाद यूसुफ अभी भी जेलखाना में होतीस, भले ही हु निर्दोष होतीस। एक रात फिरौन जसो कि मिस्री लोग अपने राजा नाउन को बुलात होतीस ने 2 सपना देखिस, जिनने ओको बहुत परेशान कर देन। ओके कोई भी सलाह देन वाले ने ओको ही सपना को अर्थ नहीं बता सकीन। परमेश्वर ने यूसुफ को सपना को अर्थ बतान की योग्यता दे होतीस। एके गुना फिरौन ने यूसुफ को जेलखाना से अपने जवर बुलाईस। यूसुफ ने ओको उन सपना को अर्थ बताईस और कहीस, परमेश्वर भरपूरी की फसल वाले 7 साल के बाद अकाल के 7 साल भेजन वालों है। फिरौन यूसुफ से इतनो खुश भईस कि ओने ओको मिस्र देश को दूसरो सबसे शक्तिशाली मानुष नियुक्त कर दी। यूसुफ ने लोगनाउन से साजरी फसल वाले 7 साल के चलते सबसे ज्यादा मात्रा में जेवन को सामान जमा करन के गुना कहीस, और जब 7 साल को अकाल आईस तब यूसुफ ने लोगनाउन को भूजेवन को सामान बेचिस, ताकि उनके जवर खान को सामान उपलब्ध हो। हु अकाल सिर्फ मिस्र देश में नी पर कनान देश में भी भयंकर होतीस, जहां याकूब और ओको परिवार रहत होतीस। एके गुना याकूब ने अपने सबसे बड़े टूरानाउन को जेवन को सामान खरीदन के गुना मिस्र देश को भेजिस। जब ही जेवन को सामान लेन के गुना यूसुफ के सामूर थाड़े भईन, तो ओके भावनाउन ने यूसुफ को नी पहचानीन, पर यूसुफ ने उनको पहचान ली। यो मालूम करन के गुना कि काही बदल गईन हत, उनकी जांच पड़ताल करन के बाद यूसुफ ने उनको कहीस, मैं तुम्हारो भाऊ यूसुफ आम, डरो मत। जब तुमने मोको गुलाम के रूप में बेच देओ, जो तुमने बुरो करन को ठाने होते हो, पर परमेश्वर ने वह बुराई को भलाई के गुना उपयोग करी। आओ और मिस्र देश में रहो, ताकि मैं तुम्हारो और तुम्हारो परिवार नाउन के गुना जेवन को प्रबंध कर सकूं। जब यूसुफ के भाऊ घर वापस लौटीन
और अपने दादा याकूब को बताइन कि यूसुफ अभी भी जिंदो है, तो वो बहुत खुश भईस। हालांकि याकूब एक बुड़गो मानुष होतीस, तो भी वो अपने पूरे परिवार के संग मिस्र देश को चलो गईस और ही लोग वहां बस गईन। याकूब के मरण से पहले उन्हें अपने हरेक टुरा को आशीषित करीस। वाचा की वह प्रतिज्ञा नाउन जो परमेश्वर ने अब्राहम के संग करे होतीस ही इसहाक पे और ओके बाद याकूब और ओके बाद ओके टुरा बारा नाउन और उनके परिवार नाउन पे आ गई होती ही बारा टुरा बारा नाउन की पीढ़ी इज़राइल के बारा गोत्र बन गईं।